हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं आज आप लोगों को कुछ हंसी वाला किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, मुझे बताइएगा जरूर कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है कि मैं इस कैटेगरी के और वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। जैसा आप लोग आदेश करेंगे वैसा वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं लेके आऊंगा। तो यह है समझदारी का हास्य। एक ऑफिस रहता है, उसकी पुरानी मैडम ने चपरासी को एक कहे के बुलाया तो नई मैडम को उस पर तरस आ गया। कहा, लोग जाने कहाँ से पढ़कर आ जाते हैं, भला वही कहकर किसी को कोई कभी बुलाता है क्या। तो बोली, सुनो, मैं शिष्टाचार निभाऊंगी, तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। चपरासी जो रहता है खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। आप सरीखे लोगों का ही गरीबों को साथ है, मैडम जी मेरा नाम प्राणनाथ है। मैडम जी सकुचाई, पल भर कुछ ना बोल पाई, फिर कहा, इस नाम से अच्छा ना होगा तुम्हें बुलाना, अगर कोई पुकारने का नाम हो तो बताना। चपरासी बोला, मेरे घर में सब मुझे दुलारते हैं, बीबी से लेकर अब्बा तक सब बालम कह पुकारते हैं। मैडम की समझ में कुछ ना आया, एक नया आइडिया लगाया, बोली, रहने दो, अब पहेलियाँ ना बुझाओ, मोहल्ले वाले तुम्हें क्या कहते हैं ये बताओ। बोला, मैडम जी सबका हम दिल बहलाते हैं, मैडम जी सबका दिल हम बहलाते हैं, और मोहल्ले वाले हमें साजन कहकर बुलाते हैं। मैडम अब तो उब चुकी थी, ओह पोह में डूब चुकी थी, कहा, मुए ये सब नाम कहाँ से लिए जाएंगे, तू सरनेम बता उसी से मैं काम चलाएंगे, तू सरनेम बता उसी से मैं काम चलाएंगे। बोला, मैडम जी क्या करूं, मैडम जी क्या करूं, दुनिया का सब गेम है, आप सरनेम से बुलाइए, स्वामी मेरा सरनेम है। अब मैडम झल्लाई, अब मैडम झल्लाई जोर से चिल्लाई, ओए मेरा सिर मत खा, एक कप गरम चाय लेके आ। कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।